जैसा कि देखते हैं दोस्तों, सैंपल हमारा क्लैट हो चुका है। तो फिर अब हम चलते हैं इसको सेंट्रीफ्यूज करने मशीन में। हम जब ये सैंपल सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो दोनों दोनों जो सेम क्वांटिटी में रहनी चाहिए, थोड़ा सा 19-20 चलेगा था। और इसके बाद आमने सामने करना है, जब भी अगर थोड़ा भी आने वाले अगर आमने सामने नहीं करेंगे तो ये जो है मशीन काम नहीं करेगा। हाँ बेहतर। तो फिर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज होने देते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा 3 मिनट हो चुका है और सेंट्रीफ्यूज हो चुका है, तो हमने सेंट्रीफ्यूज को बंद कर दिया। अब सैंपल हम निकालने जा रहे हैं। सैंपल निकालने दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि सीरम ऊपर आ चुका है। सैंपल बहुत कम, इसलिए सीरम भी बहुत कम है। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा वीडियो करते हैं। वाटर है जो कि डिस्टिल वाटर खत्म हो चुका है, तो इसमें हम पहले डिस्टिल वाटर भरेंगे। हाँ, मशीन को पिलाने के लिए, मशीन को वाश करने के लिए डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है। इसका पीएच अन्य वाटरों से अलग होता है। इसका पीएच अन्य वाटरों से अलग होता है, जो है जो वो बगल वाला काट के पीजे को साफ करने में सहायक होता है। तो इसको हम पहले मशीन को पानी का पिला देते थे, स्लिम मोड में जाता ना, जिसको वाश कराना बहुत जरूरी है। तो अब हम यहाँ से रिटर्न आ जाते हैं और इसके बाद अब हम सैंपल लगाते हैं सीरम कैल्शियम का। हमारा सीरम कैल्शियम का रिजल्ट है। तो एपेंडॉप में भी लगा सकते हैं और चाहे तो टेस्ट ट्यूब में भी लगा सकते, लेकिन हम इसको जो है एपेंडॉप में लगाना ज्यादा उचित है, सीरम का सैंपल है। तो हम इसको 1000 माइक्रोमीटर लार्ज माइक्रोपिपेट से सैंपल लेते हैं। तो जैसा कि अब हम 1000 माइक्रोमीटर रिजल्ट लेने जा रहे हैं। इसमें 20 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे, 20 माइक्रोलीटर हम सीरम लेंगे इसके लिए। ये टिश्यू पेपर है, इससे सीरम की जो है पिपेट साफ करने में सहायता करता है। तो इससे हम 20 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे और उसके बाद हम जो है इसमें मिक्स कर देंगे। पहले हम एक बार इसको टिश्यू पेपर से वाश करेंगे और उसके बाद इसमें हम लोग मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको एक बार हाथ लेकर ड्रॉप को बंद करके एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने फोन में या फिर वाच टाइमिंग में 2 मिनट का टाइमिंग लगाएंगे। तो हम क्लॉक में जाकर जो है 2 मिनट का हम टाइमिंग लगाते हैं। फंक्शन को ऑन कर दिया, 2.5 मिनट हो चुका है। तो फिर अब हम चल रहे कैल्शियम का सैंपल पिलाने। सबसे पहले हम यहाँ पर मशीन मांगते हैं प्लीज स्पिरिट वाटर, तो फिर हम पहले इसको वाटर पिलाएंगे मशीन को। हाँ ये बटन यहाँ सक करती है, यहाँ से अब ये मांग रहा कंटिन्यू। तो फिर हम इसको लो करेंगे, यहाँ से सैंपल के मोड पिलाएंगे, देखेंगे। तो जैसा कि हम हमारा 2 मिनट हो चुका है और यहाँ पे लिखा प्लीज स्प्रेड सैंपल, तो अब हम इसको जो है सैंपल स्प्रेड कराने जा रहे हैं।
अब जैसा कि यहाँ पर रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है, अभी कुछ ही सेकेंड में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारे तरफ करो, हमारे तरफ करो। जैसा कि इनका रिजल्ट 8.0277 आया है, और जैसा कि इनका रिजल्ट 8.0277 आया है, और सीरम कैल्शियम का जो नॉर्मल रेंज होता है 8 से 10 होता है, तो इनका जो रिजल्ट आया 8.02 आया है, मतलब इनका नॉर्मल है। अगर सीरम कैल्शियम की कमी होती तो इनके जोड़ों में दर्द होती, हड्डियों में दर्द होती, तो इनको जो है अभी कोई सी प्रकार कोई समस्या है नहीं, और इनका सीरम कैल्शियम की जो मात्रा होती बॉडी में इनका नॉर्मल है। ये हमारा सीरम कैल्शियम की जाके प्रोसीजर। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें आगे साथ फॉलो और सब्सक्राइब करें, बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।